हेलो वीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू आई क्यू टैप सो लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू न्यूजपेपेर अनालिस फॉर फोर्थ ऑफ दिसंबर बिफोर दट इफ यू ऑन द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू कैन गो टू टेलीग्राम एंड सर्च फॉर आई क्यू टैब ऑफिशियल आपको वहाँ पर इसकी पी डी एफ मिल जाएगी लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आज हम कौन से न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट विल टॉक अबाउट लिसन फॉर इकॉन्स दैन विल मूव ऑन टू आइनस विक्रांत दैट इज अ इंडीजीयस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया देन विल मूव टू मनरेगा स्कीम एंड हाउ सेंटर हैज आज फॉर एडिशनल फंड्स फंड विल टॉक अबाउट साइक्लोन जवाड दट हैज थ्रेट द एरियाज इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया ने रिसेंटली रिवोक कर दिया है पैप्सिको का जो पोटैटो तो पेटेंट था उसको रिसेंटली रिवोक कर दिया है फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज लेसन फॉर इकॉन्स नाउ यू नीट टू अंडरस्टैंड कि जो बस्टर्स की फैमिली है उसके अंदर टोटल ट्वेंटी फाइव स्पीसीज हैं, जो कि अफ्रीका के अंदर ओरिजिनेट हुए थे इसी के अंदर टोटल दो सब स्पीसीज भी हैं जिसका नाम है बंगाल फ्लोरिकॉन और लेसर फ्लोरिकॉन जो लेसर फ्लोरिकॉन है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं नाउ दीज आर द स्मॉलेस्ट इन द बस्टर्ड फैमिली ठीक है सबसे छोटे होते हैं जैसा आप इमेज में देख सकते हैं बहुत ही छोटे होते हैं ये देखिए ये मेनली ग्रासलैंड के एरियाज में रहते हैं और जो ओपन क्रॉप फील्ड्स होते हैं वहां रहते हैं दे आर मेनली फाउंड इन इंडिया और आसपास का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है सिर्फ यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता है इंडिया के अंदर देखिए एमपी गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश यहाँ प्रेजेंट है और आसपास में नेपाल भूटान के अंदर बहुत छोटी सी पॉपुलेशन मिलती है यहाँ पर देखिए जब भी इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब तब दे टेन टू मूव टू मोर डेंस वेजिटेशन ठीक है वेजिटेटिव एरियाज हैं वहाँ पर वो मूव कर जाते हैं नाउ टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें अराउंड वन के आसपास सिर्फ इसकी ग्लोबल पॉपुलेशन बची हुई है इसीलिए आयु ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर

उन्हें एक सिंबल माना जाता है ऑफ नेशनल हेरिटेज ये एक तरीका था जो कि जिसको यूज किया जाता था, था पोस्टल स्टैंप है उसका मतलब यूसेज को बढ़ा सके पहले के टाइम में और साथ ही साथ लोगों को इन्फॉर्म करा सके अबाउट डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड बर्ड्स के बारे में ठीक है इसीलिए वो अलग अलग एनिमल्स एंड बर्ड्स को पोस्टल स्टैंप स्टैप डालते थे उसी तहत लेसल फॉरिकॉन्स जो थे उनको भी इन्होंने पोस्टल स्टैंप पर डाला हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने एक टाइम में नाव अभी रिसेंटली न्यूज ये है कि एक अभी डिस्कवरी हुआ है जिसके अंदर जो लेसल फ्लोरिकॉन्स का जो इन कंट्री माइग्रेशन रूट है जो सबसे लंबा माइग्रेशन रूट है ये मालूम चला है दैट

टोटल uh, हम जैसे हमने देखा ग्लोबल पॉपुलेशन अराउंड वन थाउजेंड की है लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ छह सौ बर्ड्स के आसपास ही प्रेजेंट है इंडिया के अंदर भी वेलावदार नेशनल पार्क जो है गुजरात के अंदर प्रेजेंट है वहीं पर ये मैक्सिमम अमाउंट uh, में पाया जाता है ठीक है ये स, जो साउथ के स्टेट्स है वहां से मूव करता है और महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान इन सब एरियाज में ट्रैवल करता रहता है सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है ये वेलावादार नेशनल पार्क जो है गुजरात के अंदर वहीं पर प्रेजेंट है मेजर थ्रेट्स देखिए कौन कौन से हैं जैसा हमने बात किया पूचिंग और साथ में जो स्ट्रेट डॉग्स हैं जिनको बचाना होता है इसके अलावा जो भी आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं फील्ड्स के अंदर उसके कारण भी इनको बहुत बड़ा एक है 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 ग्रासलैंड्स जो इनका मेन हैबिटेट जब उनको कर दिया जाता है, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उसके कारण जो इनका है, वो डिस्ट्रक्ट होता है इनको बाहर खुले में आना पड़ता है और उसी कारण डॉग्स एंड ह्यूमस की कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है इसके अलावा जो एग्रो ग्रासलैंड्स है यानी कि जो एग्रीकल्चर ग्रासलैंड्स है इनका लगातार मिसमैनेजमेंट हो रहा है प्रॉपर्ली उसको मतलब मेंटेन नहीं किया जा रहा है उसके कारण जो इनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है एंड फाइनली जो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग है मतलब ग्रासलैंड्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ग्रेजिंग बहुत होती है जहां पर कैटल्स को छोड़ दिया जाता है उसके कारण जो इनका जो मेन हैबिटेट एरिया है जहाँ पर ये घास के बीच में रहना पसंद करते हैं वहाँ पर ये घास नहीं बचती है उसके कारण वो रह नहीं पाते वहाँ पर प्रॉपरली नाव देखिए कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं जैसे कि जितने भी डॉक्स वगैरह हैं जो स्ट्रेट डॉक्स हैं उनसे इनको दूर रखना जरूरी है इसके अलावा एक कंजर्वेशन सेंटर बनाना जरूरी है एक ब्रीडिंग सेंटर बनाना जरूरी है ताकि इनका प्रॉपर डेवलपमेंट वगैरह किया जा सके इसके अलावा ऐसे क्रॉप्स लगाने जरूरी है ताकि इनको ब्रीडिंग में हेल्प मिले एंड फाइनली, कैटल ग्रेजिंग रोकनी होगी ऐसे एरियाज में जहां पर लेसर फ्लोरिकॉन्स रहते हैं ताकि इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट ना हो आई होप आपको फ्लोरिकॉन के बारे में प्रॉपरली समझ आ गया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक दैट डिस्कस इज अबाउट आई विक्रांत देखिए आई विक्रांत ने एक वॉरशिप की तरह ज्वाइन किया है इंडियन नेवी को ठीक है ज्वाइन किया था जिसमें अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं 2021 में सी ट्रायल्स स्टार्ट हुए थे और ये माना जा रहा है कि अगले साल 2022 के अंदर ये सर्विसेज के अंदर एंटर कर जाएगा न्यूज में इसलिए है बिकॉज अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने बोला है कि जब जब इसका ट्रायल्स कंप्लीट होंगे और जब इसको सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा इट विल भी है विशाखापट्टनम जो है वहां पर इसको रखा जाएगा नौ जो देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं नेवल एसेट्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट होते हैं बिकॉज वो किसी कंट्री की नेवी की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं कि वो उसके शोर से ज्यादा मतलब दूर तक ट्रैवल कर सकता है देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर का सीधा सा मतलब है एक, एक नेवल शिप है जिसके ऊपर जो नॉर्मल नेवी की जितनी प्रोसीडिंग्स है वो तो है ही साथ में यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट का रनवे होता है जिसके ऊपर यहाँ पर ये यह लोग सिंपल एयरक्राफ्ट को रख भी सकते हैं रनवे की तरफ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर ठीक है नाव इसी कारण यहाँ पर एयर डोमिनेशन ऑपरेशन को भी आ, मतलब प्रोवाइड करते हैं इन नेवल एरियाज़ ठीक है सो सी के एरिया so, में एयर डोमिनेशन का ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाउ एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें वो नॉर्मली हर एक जितने भी शिप होते हैं ना बैटल ग्रुप में उसको लीड करता है जहाँ वहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी शिप्स होते हैं वहाँ पर सबसे आगे जो है, एक रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है उसके पीछे डिफरेंट शिप्स रहते हैं और शिप्स रहते हैं ऐसे ऐसे ठीक है तो सबसे आगे रहता है इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वर्नेबल भी होता है बिकॉज सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक इसी पे होता है इसीलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर जब मूव करता है तो हमेशा स्कॉट किया जाता है बाइक डेस्ट्रोयर्स मरीन्स मिसाइल क्रूजर्स फ्रिगेट्स शिप्स इन सबके साथ ये मतलब मूव करता है अकेला मूव नहीं करता है ठीक है आई विक्रांत भी अभी एक टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया के पास और भी कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर था लेकिन इंडिया ने इससे पहले कभी भी खुद से नहीं बनाए थे आपको ध्यान रखना है विक्रांत जो है एक इंडीजीयस एयरक्राफ्ट कैरियर है इससे पहले वाले जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे हमारे या तो हमने उसे ब्रिटेन से लिया था या फिर हमने उसे रशिया से लिया था जैसे एक है हमारे पास आई विक्रमादित्य ये हमने रशिया से लिया हुआ है इसके अलावा ब्रिटेन से हमने दो लिए हैं एच एम एस हर्मीस एन एच एमएसए हरक्यूलिस ठीक है इसके अलावा इंडियन नेवी ने दो ऐसे शिप्स भी थे जिसको रीडेवलप कराया था आई विराट आई विक्रांत इन दोनों को भी ब्रिटिश से ही हमने लिया था सो so आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे सबके सब या तो हमने ब्रिटेन से लिए हैं या फिर रशिया से लिए हैं नाउ दिस इज द फर्स्ट वन जो कि इंडिया ने खुद से बनाए हैं टोटल छह ऐसी कंट्रीज है जिनके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं एंड नाउ इंडिया हैजॉइन दिस पर्टिकुलर क्लब ठीक है इंडिया इंडिया का जो कोचिंग शिप एट लिमिटेड है वहीं पर इस पर्टिकुलर शिप को बनाया गया है वहीं पर आईनएस विक्रांत को बनाया गया है दैट इज वाई दिस इज इंडीजीनियस नौ देखिए इंडियन नेवी के अनुसार टोटल सेवेंटी सेवन सेवेंटी सिक्स परसेंट से ज़्यादा ऐसा जो मटेरियल जो कि uh, इस इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर वन को बनाने में लगा है इसी का नाम है आईएनएस विक्रांत में जो लगा है दैट इज इंडीजीयस मतलब जो सामान लगा है उसमें सेवेंटी सिक्स परसेंट से ज्यादा सामान इंडिजीनियस है जिसमें ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टन से ज्यादा स्टील ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल्स लगे हैं पाइप्स uh, लगी हैं वॉल्स लगे हैं उस सबके सब इंडीजीनियस सब हैं इसके कारण क्या हुआ है इसको बनाने के कारण फोर्टी टू थाउजेंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट uh, मिला है इस पर्टिकुलर सेक्टर में जिसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि 80 से 85 परसेंट जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो वापस जो कि मतलब अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड करोड़ के आसपास का बनता है वो वापस इंडियन इकॉनी में ही आ गया है मतलब जितना पैसा उसमें लगाया गया है इंडियन एयरक्राफ्ट के रेड में वो वापस इंडियन इकॉनमी में आ गया है बिकॉज इंडिया से ही सारा सामान वगैरह किया मतलब खरीदा गया है इंडियन मैनुफेक्चरर्स से डिफरेंट एम एस एमए ग्रुप से एंडॉल्व उन्हीं से सामान खरीदा गया है इसीलिए सारे का सारा पैसा वापस इंडियन इकॉनमी के अंदर आ गया है पैसा बाहर नहीं गया है तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज मनरेगा मनरेगा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ एक्स्ट्रा रुपीज मांगे हैं देखिए सेंटर ने 25000 करोड़ एक्स्ट्रा मांगे हैं एज एडिशनल फंडिंग बिकॉज वो ऐसे कह रहे हैं मनरेगा की जो जितना भी पैसा वगैरह था वो सब फिनिश हो चुका है ऑलरेडी ठीक है जो एडिशनल बजट है फॉर मनरेगा इट वाज अमंग द मोट क्लिनली वेटेड बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा है क्यों बिकॉज बहुत सारे पेमेंट्स वगैरह पेंडिंग है जो कि बहुत लोगों को वेजेस वगैरह प्रोवाइड करने बाकी है बहुत ऐसे मटीरियल्स इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद दिए हैं जिसका अभी तक पैसा नहीं दिया है इसी कारण क्या हुआ है ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी इंप्लीमेंटेशन पर प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गया है बिकॉज पैसा ही नहीं है तो स्कीम कैसे काम करेगा राइट जैसा हमें पता है कि कोविड के कारण जितना डिस्ट्रेस आया था हमारे रूरल एंड अर्बन एरिया में उसमें ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया था दैट वॉज रूरल इंडिया ठीक है जो गाँव के एरियाज थे वो ज्यादा अफेक्टेड थे उसके कारण वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्टर्स आ गया सारे का सारा काम बिल्कुल बंद हो गया उसके कारण जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है मनरेगा के लिए ठीक है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो है मनरेगा के अंदर उसमें यह बोला गया है किसी कि कोई भी पर्सन जो डिमांड करेगा उसको जल्दी से जल्दी काम दिया जाएगा ठीक है और बोला है कम से कम सौ दिनों का काम देंगे हम आपको हर साल जिसमें अभी का जो वेज वेज है दैट इज अराउंड टू हंड्रेड पर डे ठीक है इतना पैसा मिलता है एक आदमी को काम करने के लिए हर दिन ठीक है मैन हो या वुमेन हो दोनों को ही अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर है उसको खत्म होने में चार महीने बाकी हैं लेकिन इसके बावजूद जो सेवेंटी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपए जो स्टार्टिंग में अलॉट हुआ था वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है ठीक है इसलिए ये टोटल नेगेटिव ने, नेट बैलेंस शो कर रहा है अराउंड दस हजार करोड़ का मतलब दस हजार करोड़ अभी हमें एटलीस्ट और चाहिए ताकि हम जितना भी वेजेस और पेमेंट वगैरह यू नो ये सब बाकी है उन सबको हम प्रॉपरली पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें लास्ट ईयर यानी कि ट्वेंटी की 2020 बात करें जो कोविड पैंडमिक आया था उसके कारण फुल लॉकडाउन वगैरह लग गया था ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट छा गई थी हर जगह उसके कारण लोगों के पास काम करने में कुछ था नहीं तो लोगों के पास पैसा नहीं था उस टाइम मनरेगा ने क्या किया था अपना बजट प्रोवाइड किया था अराउंड वन पॉइंट वन लैक करोड्स का ठीक है और इट एक्टेड एज अ लाइफ लाइन फॉर द रूरल इकॉनमी और बहुत इंपॉर्टेंट था और रूरल इकॉनमी के लिए बिकॉज इसी पर्टिकुलर पैसे को यूज करके फिर रूरल इकॉनमी वापस ट्रैक पे आई थी मतलब लोग के पास पैसा हाथ में आया था फिर से डिमांड क्रिएट हुई थी डिमांड क्रिएट हुई तो फिर से इंडस्ट्रीज में सप्लाई बनना स्टार्ट हुआ था एंड ऑल ऐसे ऐसे ठीक है तो फिर से वापस जो इंडिया जो ट्रैक पे आ पाई है उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है मनरेगा है इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई फिर से लगातार जो यू नो कम होती जा रही है और लगातार इंप्लॉयमेंट कम होता जा रहा है और लगातार जो डिमांड बढ़ती जा रही है जॉब्स के लिए उसको फिर से फुलफिल करने के लिए हमें पच्चीस हज़ार करोड़ और चाहिए ठीक है नाउ कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इवन दिस अमाउंट इट इज नॉट क्लियर किन द रिलीज विल बी मेड मतलब ये पैसा कब रिलीज होगा इस, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कब वो लोगों तक पहुंचेगा ठीक है कब उनको वेजेस मिलेगा कब वो डिमांड क्रिएट करेंगे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ठीक है अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखना यह क्या पार्लियामेंट इसे पास करता है या नहीं करता है जो मनी है इट कम्स इन ड्रिवलेज मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में आता है उसके कारण प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से चल नहीं पाता है नाउ ऐसे प्रोग्राम्स को चलने के लिए एक साथ काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत है ठीक है यहाँ पर एक न्यू लॉ की रिक्वायरमेंट है एक ऐसा लॉ चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर चीज में फंडिंग में एटलीस्ट एक इसमें स्ट्रिकनेस शो कर सके ताकि जितना भी फंडिंग है एडिशनल फंडिंग है उस, वो सब टाइम से आ सके ताकि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कभी क्रिपल ना हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूरल इकॉमी Now, अगर हम देखेंगे तो अभी आज का डेटा ये है कि अराउंड ट्वेंटी सेवन स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट से ज्यादा अपना पैसा खर्च कर चुके हैं खत्म कर चुके हैं मनेगा के अंदर जो भी उनको फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 टू के लिए मिला था मतलब देखिए अप्रैल दो से लेकर के मार्च दो तक ये डेटा जो है ये फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है तो टोटल तो 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 जितना सेवेंटी थ्री थाउजेंड करोड़ जो मतलब अलॉट किया गया था स्टार्टिंग में बजट में वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया गया था बट लेकिन आप देख सकते हैं अभी सिर्फ दिसंबर ही आया है और यहाँ पे प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ठीके? मतलब सारे का सारा ट्वेंटी सेवन का सारा पैसा ऑलरेडी खत्म हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जितने भी ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहे हैं उन सारे के सारे एरियाज में ऑलरेडी 100 परसेंट से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है देखिए अब केरला में देखिए 117 परसेंट तमिलनाडु में 120 परसेंट आंध्र में 131 परसेंट ठीक है जे एंड के वन फिफ्टी परसेंट इसका मतलब क्या है कि टोटल उनको अगर हंड्रेड खर्च करने थे तो वो ऑलरेडी फिफ्टी का एक्स्ट्रा उधार लेकर वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं मतलब इतना पैसा उनको भी वापस करना है केरला को अभी सेवेंटी पैसा वापस करना है तमिलनाडु को ट्वेंटी वापस करना है राइट इतना पैसा इनको भी एक्स्ट्रा वापस करना है मतलब वो जितना उनको चाहिए था उससे ज्यादा खर्च कर चुके हैं बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स बचे हैं जिनका अभी 100 परसेंट का कोटा कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी देखिए वो भी बहुत क्लोज है मतलब अपना 100 परसेंट कोटा फिनिश करने के और अभी चार महीने से ज्यादा बाकी है ऑलरेडी तो देखिए यूपी का ऑलरेडी 96 परसेंट जो है पैसा खत्म हो चुका है मनरेगा के अंदर उड़ीसा का 95 परसेंट तेलंगाना का एटी तो आप देख सकते हैं कि, कि कितना कैश ट्रिप्प्ट हो चुका है अभी के टाइम में जो मनरेगा स्कीम है वहां पर बहुत जरूरी है कि यू नो कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाए और ज़्यादा पैसे दिए जाए ताकि जितने भी लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको टाइम से एम्प्लॉमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि लोगों के पास पैसा है और डिमांड क्रिएट हो ठीक है और इंडिया की इकानॉमी फिर से वापस ट्रैक पर आ सके क्स्ट टॉपिकोन जवाब और डीप डिप्रेशन बना था बेऑफ बंगाल के अंदर जो कि इंटेंसिफाइड इंटेंसिफाई होगा इंटो साइक्टॉम ठीक है और आंध्रप्रदेश और के को लगातार हर्ट कर सकता है आंध्र प्रदेश के लिए येलो अलर्ट इशू किया गया है और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया मतलब उड़ीसा uh, uh, है दैट इज मोर इन डेंजर ठीक है और जो ऑरेंज अलर्ट होता है दैट इज कमेरेटिवली सिवियर एज कंपेयर टू येलो अलर्ट साइक्लोन जवाह जो है इज द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉम आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून एंडेड जो देखिए दो टाइप के मानसून हमारे यहां पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है वो समर्स के टाइम में आता है और साउथ वेस्ट मानसून जो आता है विंटर्स के टाइम में जो अभी कुछ दिनों पहले आया था यह पर्टिकुलर मानसून खत्म होने के बाद ये फर्स्ट साइक्लोन है जो इस पर्टिकुलर साल में मतलब दो में जो डेवलप हुआ यह पहला साइक्लोन है Now, इसका नेम सऊदी अरेबिया ने रखा था जिसका मतलब होता है जनरस या मर्सीफुल यानी कि जवाब का मतलब होता है जनरस या फिर मर्सीफुल आपको ध्यान रखना इसका नेम सऊदी अरेबिया ने दिया था ठीक है ये देखिए इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह कल का ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि एक डीप डिप्रेशन था ठीक है जो कि एक, 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 एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉम के अंदर वो हो चुका है डेवलप हो चुका है जिसका नाम नेम है जवाब ठीक है और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट को हिट कर सकता है तो आप यहां पर देख सकते हैं ये देखिए ये बे बंगाल का पार्ट है जहां पर यह ओरिजिनेट हुआ है नाउ इट इज मूविंग दिस पर्टिकुलर साइड तो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का नॉर्थन पार्ट और ओडिशा का जो नीचे वाला पार्ट है साउथ वाला पार्ट वो दोनों ही एरियाज जो है इस पर्टिकुलर साइक्लोन के अंदर मतलब डायरेक्ट हिट एरियाज के अंदर है ठीक है तो हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर जो ऑलरेडी uh, जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं एंड द रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं ठीक है लेट्स होप दैट द लॉस एंड दैट द लॉस ऑफ लेट्स होप दैट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ इज मिनिमल लेट्स होप दैट एवरी वन स्टेज सेफ नो द नेक्स्ट टॉपिक दैट डिस्कस अबाउट इस ने रिसेंटली रिवोक कर दिया है पेप्सी को, पेप्सी को देखिए नाम की कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है पोटैटो चिप्स बनाती है ठीक है उसका जो पोटैटो का पेटेंट था उसको रिसेंटली रिवोक कर दिया गया है नो लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया रिवोक कर दिया इस पेटेंट को जो कि पैप्सिको का जो पोटैटो चिप्स की कंपनी है उसका मतलब जो भी उनके पास एक पेटेंट था इस चिप्स को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर आलू वाते थे उसको कैंसिल कर दिया है यह कैंसिल किया गया है बाई दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट जो है उसके अंदर जो अथॉरिटी है उसने इस पर्टिकुलर चीज को कैंसिल कर दिया है ठीक है देखिए 2019 में इशू क्या है समझते हैं 2019 में क्या हुआ था पेप्सिको जो कंपनी है उसने कुछ इंडियन फार्मर्स जो कि गुजरात के थे वो एफ सी फाइव नाम की एक पोटैटो का एक वैरायटी था जिसको उगा रहे थे ठीक है लेकिन इसके ऊपर पेप्सिको ने क्या किया इन पर्टिकुलर फार्मर्स को सू करना स्टार्ट कर दिया मतलब इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिया नाउ पॉइंट इज कि जो एफ सी फाइव पोटैटो है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम होता है उसके कारण इट इज़ वेरी गुड फॉर मेकिंग चिप्स चिप्स एंड ऑल बनाने के लिए काफी अच्छा होता है ठीक है तो और इस पर्टिकुलर वैरायटी को पेप्सिको ने अपने नाम पर रजिस्टर करा रखा था इसलिए उन्होंने क्या किया फार्मर्स के ऊपर लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया लेकिन जो ये पर्टिकुलर एक्ट है हमारा पीपीवीएफआर पी यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स साइट साइड इसके अंदर बोला गया है इट इज नॉट एन ऑफेंस मतलब एक पर्टिकुलर फार्मर जो है किसी भी वरायटी को यूज़ करके अपने सामान को उगा सकता है अपने क्रॉप्स को उगा सकता है इट अलाउज द फार्मर्स टू री यूज सच वराइटीज मतलब अगर किसी का पेटेंट ले भी ले गया है उसको भी री कर सकता है एंड इट ही कैन ऑल्सो शेयर दम विद नेबर्स मतलब आसपास के साथ वो शेयरिंग भी कर सकता है ठीक है तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये एक ऑफेंस नहीं था लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर जब लीगल एक्शन लिए गए तो क्या हुआ जब इन्हें पता चला पेप्सिको ने तो पेप्सिको ने इस चीज को विड्रॉ कर लिया इस लीगल एक्शन को विड्रॉ कर लिया और उसने चाहिए बातचीत से प्रॉब्लम को सॉल्व करें लेकिन एक पेटिशन फाइल कर दी गई मतलब टू द पीपी वी एफ आर ए अथॉरिटी अथॉरिटी के अगेंस्ट मतलब के सामने एक पटीशन फाइल की गई अगेंस्ट दिस पेप्सिको कंपनी और बोला गया कि इंडिया की जो रूल्स है इट डज नॉट अलाउज द पेटेंट ऑन द सीड वराइटीज और आप इस पेटेंट की

तो पेप्सी को ये बोलता है कि इट हैज मेंटेन दैट कि एफसी फाइव वैरायटी इन्होंने खुद बनाया है और 2016 में उसको रजिस्टर भी कराया था 1989 में इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना फर्स्ट चिप्स का प्लांट इंडिया के अंदर लगाया था और वो एफ की जो सीड वैरायटी है कुछ फार्मर्स को प्रोवाइड करता है ताकि उसको बेच सके ध्यान रखिएगा वो बेचने के लिए प्रोवाइड करता है बेच कर और एक फिक्स प्राइस जो कंपनी ने डिसाइड किया है उस पर्टिकुलर वैरायटी पे वो सामान बेच सके मतलब ठीक है तो जो जो देखिए कंपनी जो है वो क्या करती है फार्मर्स को सीड्स देती है ये सीड जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच सकती है ठीक है और इनको जो फिक्स प्राइस होता है उसमें से कुछ पैसे वापस कंपनी को देने होते हैं और कुछ पैसे इनके हो जाते हैं नो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सिर्फ बेचने के लिए दिया था बट यहाँ पर कुछ फार्मर्स ने उसको उगाना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया पेप्सिको ने बट ये अलाउड नहीं था इसलिए उनको उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया गया बट पॉइंट इज कि जो हमारा एक्ट है वो अलाउ करता है ऐसे सीड्स को यूज करने के लिए री यूज करने के लिए भी इसलिए इस पर्टिकुलर पेटेंट को ही पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया तो जो गुजरात के फार्मर जो उस टाइम अफेक्टेड थे उन्होंने ये बोला है दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर फार्मर्स इन इंडिया और ये रीफॉर्म करता है राइट टू कल्टीवेट एनी क्रॉप्स की कोई भी क्रॉप्स को किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को वो कल्टिवेट कर सकते हैं नाउ ये जो अथॉरिटी uh, थी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट इसके बारे में अगर हम देख लें तो ये अलाउ करता है फार्मर्स को टू प्लांट ग्रो एक्सचेंज एंड सेल ठीक है देखिए प्लांट कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं और सल सकते हैं कोई भी ऐसा क्रॉप जो कि भले ही वो पेटेंट प्रोटेक्टेड ही क्यों ना हो मतलब अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप पेटेंट से प्रोटेक्टेड है उसके बावजूद भी उसको प्लांट ग्रो एक्सचेंज और सेल कर सकते हैं इंक्लूडिंग सीड्स अगर कोई सीड भी है ऊपर पेटेंट ऑलरेडी आ चुके हैं उसको भी वो लोग प्लांट या ग्रो कर सकते हैं इट ओनली बार्स देम फ्रॉम सेलिंग इट एज ब्रांडेड सीड देखिए वो ये नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पेटेंट है सपोज कि ए बी सी नाम से कोई पेटेंट है तो उसको उस पर्टिकुलर सीड को उठाकर वो डी ई एफ नाम से उसको बेचना स्टार्ट नहीं कर सकते मतलब वो ब्रांड नेम से कुछ नहीं कर सकते बट सिंपली वो लोकल वैरायटी के नाम पर बेच सकते हैं उसको तो बस ब्रांड नेम नहीं डाल सकता आपको ध्यान रखना है टोटल ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके अंदर बोला है कि फार्मर के टोटल तीन रोल्स हैं एज अ कल्टीवेटर एज अ ब्रीडर एंड एज अ कंजर्वर देखिए एज अ कल्टीवेटर तो इसका सीधा काम है फार्मर्स का सीधा काम है कि वो कल्टीवेट करेंगे न्यू न्यू क्रॉप्स को ठीक है वो सिंपली किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप पे कोई भी राइट्स वगैरह या कोई भी पेटेंट लगा हो उसके बावजूद उसको प्लांट कर सकते हैं सेकंड इज अबाउट ब्रीडर्स ब्रीडर्स को यहां पर इक्विवेलेंट माना गया है एज प्लांट ब्रीडर्स प्लांट ब्रीडर्स कौन होते हैं ऐसे होते हैं जो कि पैसा देकर काम करवाते हैं तो फार्मर्स को इनके बराबर माना गया है एंड थर्ड इज कंजर्वर्स जर्वर ऐसे होते हैं जो न्यू सीड वराइटीज को कंजर्व करते हैं ठीक है और कंजर्व वगैरह करने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वरायटी को खत्म नहीं होने देते तो इस पर्टिकुलर तहत इनको देवर इंटाइटल टू रिवार्ड्स फ्रॉम नेशनल जीन फंड देखिए जो नेशनल जीन फंड है वहां पर जितने भी वराइटीज हैं जितनी भी न्यू वराइटीज अगर आती हैं तो वहां पर अगर आप सबमिट कराते हो तो बदले में फार्मर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलता है देखिए कल्टीवेटर बिल्डर और तीनों के तहत ही फार्मर्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आई होप आपको यह पर्टिकुलर एक्ट एक्टर समझ आ गया होगा नाउ विल मूव ऑन टू द रिविजन में देने हैं इसका आंसर आपको कल के वीडियो क्लास में बताएंगे the first question is, कि बंगाल जो है स्मॉलेस्ट बर्ड इन बस्टेड फैमिली सेकंड इज मोर देन सेवेंटी मेक आई विक्रांत इज इंडीजिनियस थर्ड इज मोर देन ट्वेंटी फाइव स्टेट्स हैव ऑलरेडी यूटिलाइज हंड्रेड परसेंट फंडिंग अंडर द मनरेगा इन फाइनेंशियल एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्थ इज साइक्न जवाड इंडिया द लास्ट क्वेश्चन इज ये पर्टिकुलर uh, एक्ट है पीपी वी एफ आर ये अलाउ करता है फार्मर्स को टू सेल सीड्स अंडर द लोकल ब्रांड नीम्स ठीक है इसके आंसर आपको टू एफ फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वॉज दट इंसाकॉक स्टडीज द जीनोमिक वेरिएशन ऑफ कोविड ये दिस इज टोटली ट्रू जैसे हमें पता है कि इंसाकॉक जो है एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जो कोविड के जितने भी जीनोमिक वेरिएशन है उसको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए बनाया गया है सेकंड क्वेश्चन इज कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन ऑन वैक्सीनेशन इंडिया यस दिस इज वेरी ट्रू आपको ध्यान रखना है इनका जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता है उसका सीधा सा काम है वो जीनम सिक्वेंसिंग करेगा और को, अगर कोई नया म्यूटेशन है उसको पता लगाएगा लेकिन ये पर्टिकुलर जो बॉडी है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे वैक्सीनेशन का डेटा या फिर कोई भी एडवाइस वगैरह देने के लिए थर्ड क्वेश्चन इज इंडिया इज श्रीलंका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जी ने यह गर्स स्टेटमेंट है इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट शन है आफ्टर यूएसए एंड यूके मतलब श्रीलंका सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा सामान बेचता है है वो USA को देता है, फिर UK, then comes India. Fourth is, cases जो हैं in yes, इसके बारे में में हम बात कर चुके उत्तर प्रदेश पर के अंदर क्वालिटी इंडेक्स uh, जी नहीं गलत स्टेटमेंट है हमें, हमने कल देखा था सिवियर प्लस कैटेगरी के अंदर ही आप स्कूल्स को बंद कर सकते हो कर सकते हो नेक्स्ट इज जाइक ऑफ डी इज वर्ल्ड फर्स्ट आर एन ए बेस्ड वैक्सीन जिन्हें गर्ल्स स्टेटमेंट है इट इज फर्स्ट डी एन ए बेस्ड वैक्सीन ठीक है आर एन ए बेस्ड वैक्सीन तो बहुत सारे हैं हमारे पास डी एन ए बेस्ड वैक्सीन है वो ज्यादा ह्यूमस में काम नहीं करते थे लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा वैक्सीन बनाया गया जो डी एन ए बेस्ड है एंड द लास्ट क्वेश्चन वॉज दट को वैक्सीन यूज इन एक्टिवेट वायरस टू ट्रिगर इम्यून रिस्पॉस येस दिस इज अ टोटली ट्रू स्टेटमेंट सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग